तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव। तुम लोग देख रहे हो गौरव हमारा यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं तुम लोग बताने वाला हूँ बेस्ट पेट कॉम्बिनेशन फॉर फ्री फायर टूर्नामेंट्स। फुल मैप टूर्नामेंट्स होते हैं उनके लिए बेस्ट पेट कॉम्बिनेशन क्या है एंड उसका बेस्ट वे में यूज़ कैसे करना है, बहुत सारी बड़ी बड़ी टीम्स कैसे उसका यूज़ करती है ये बताने वाला हूँ। तो यार वीडियो को पूरा देखना, वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, बहुत अच्छा अच्छा इन्फॉर्मेशन पता चलेगा। तो वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले तो मैं तुमको पेट कॉम्बिनेशन बता देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा कि इसका यूज़ कैसे करना है, बड़ी बड़ी टीम्स कैसे इसका यूज़ करती है। तो पेट कॉम्बिनेशन सिंपल सा है, एक बंदे को रखना है फैल्को, एक को रखना है बीस्टन एंड दो लोगों को रखना है तुम्हारा वैगर और ग्लूअल बनाना। ठीक है, तो लास्ट जोन में बहुत ज़्यादा जरूरत होता है ग्लूअल्स का, अगर तुम्हारे पास ग्लूअल्स बहुत सारे तो तुम्हारा भुया पक्का हो जाएगा, तो इसीलिए दो लोग वैगर यूज़ करेंगे। बट अगर तुम्हारा प्लेइंग स्टाइल अलग है, तुम लोग का टीम जो है ज़्यादा रश करती है, दो लोग नेट करना चाहते हैं, तो दो बीस्टन रख सकते हैं दो लोग एंड एक वैगर रहेगा। बट आइडियल केस में दो लोग को वैगर रखने हैं तो एक को बिस्टन दो एंड लैंडिंग के बाद जो है जो भी नेट्स मिलेंगे उनको नीडल को दे देना है एंड ग्लोअल वाले को ग्लोअल बनाना है। अब मैं बताता हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी टीम्स इसका यूज़ कैसे करती है, इस पेट कॉम्बिनेशन का बहुत ही इफेक्टिव वे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो यार तो यहाँ पे तुमको क्या करना है, सबसे पहले तुमको लैंडिंग करना है के लिए, ठीक है, जहाँ पे कोई टीम ना उतरे। अगर कोई टीम उतरती है तो क्या करना है ये भी बताऊँगा। तो सबसे पहले तो मान लो अगर कोई टीम नहीं उतर रही है तो तुम लोगों को 2-2 स्प्लिट में उतरना है एंड ऐसे एक डिफाइन कर लो कि यहाँ यहाँ हम लोग लूटेंगे ताकि जो है तुम लोग जल्दी लूट हो जाए। तो यार यहाँ पे तुमको 2-2 स्प्लिट में ऐसे उतरना है कि एक वैगर वाला एक बिना वैगर वाला के साथ उतरे, ठीक है, यानी कि एक वैगर वाला तुम्हारे फैलिको वाले के साथ उतरेगा एंड दूसरा वैगर वाला तुम्हारे बिस्टन वाले के साथ उतरेगा एंड यहाँ पे ग्लोअल बनाना। अब वैगर मैक्स कर लेना है, इससे क्या होगा कि तुमको दो ग्लोअल्स मिलेंगे। तो तुम्हारे वैगर वाले प्लेयर के पास जैसे ही दूसरा ग्लोअल आएगा उसको ग्लोअल उतारना है एंड पिन कर देना एंड जो उसके साथ 2-2 स्प्लिट में जो दूसरा बंदा उसके साथ था जो भी था, या तो बिस्टन वाला या तो फेल्को वाला, तो उसको ग्लोअल उठा लेना है एंड जो जमीन पे पड़ा हुआ ग्लोअल्स है रैंडमली वो उसको भी उठाना नहीं है तुम्हारे वैगर वाले प्लेयर्स को, उसको पिन कर देना है और जो है लास्ट में तुम लोग को शेयर कर लेना है सारा ग्लोअल्स। एंड यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखना है कि तुम्हारे वैगर वाला प्लेयर एक तो ग्लोअल नहीं उठाएगा, साथ में वो ऑटो पिकअप भी ऑफ रहेगा रखेगा, नहीं तो गलती से ग्लोअल उठ जाएगा तो तुम्हारा ही टीम का टाइम वेस्ट होगा। तो ऑटो पिकअप ऑफ रखना है, ग्लोअल्स नहीं उठाना है, बस पिन करते जाना है, जैसे ही दूसरा ग्लोअल होगा उसको उतार के दे देना है अपने टीममेट को एंड जो है तुम्हारे जो दूसरा टीममेट जो होगा 2-2 स्प्लिट में उसको ग्लोअल्स उठाते जाना है एंड जब तुम रोटेशन करोगे उस टाइम तुम लोग को सारे ग्लोअल्स शेयर कर लेना। तो ये तो आइडियल केस में है कि अगर तुम्हारे ड्रॉप पॉइंट पे कोई उतरता नहीं, अगर तुम्हारे साथ कोई उतर जाता है तो क्या करना है। तो देखो यहाँ पे तो सिंपल है, अगर कोई ग्लोअल पड़ा हुआ है तो तुम्हारा वैगर वाले प्लेयर को उठा लेना है क्योंकि उतना वेट नहीं कर सकते, कभी भी फाइट हो सकता है अगर तुम्हारे साथ कोई टीम उतर रही है तो यार कभी भी फाइट हो जाए तो तुमको ग्लोअल्स उठाना है, ठीक है। बट तुम शेयर कर सकते हो, अगर मान लो तुमने एक ग्लोअल उठा लिया, एक ग्लोअल बन गया, तो तुम एक ग्लोअल अपने दोस्त को दे सकते हो। अगर फाइट अभी मान लो थोड़ा एंगेज नहीं हुआ फाइट में तो एक ग्लोअल दोस्त को दे सकते हो क्योंकि वैगर वाले का तो ग्लोअल बनना ही है, तो इसीलिए ग्लोअल थोड़ा मोड़ा शेयर कर सकते हो बट उतना भी तुमको शेयर नहीं करना, पहले फाइट खत्म करना है उसके बाद ग्लोअल्स बनाना। और अगर मान लो एक और केस हो सकता है कि मान लो तुम लोग जो है 2-3 मिनट लूट किए एंड उसके बाद कोई टीम जो है गाड़ी लेके तुमको मारने आ गए, तो इस केस में क्या करना है। तो अगर मान लो 3-4 मिनट ही हुआ है एंड तुम्हारा जो है वैगर वाला प्लेयर वैगर से ग्लोअल बना रहा था तो उसके पास तो एक ही ग्लोअल होगा, तो तुम लोग को जो है थोड़ा सा जो है तुम्हारे बिना जिनके पास ज़्यादा ग्लोअल्स होगा उनको शेयर कर लेना है, ठीक है, क्योंकि वैगर वाले के पास ग्लोअल्स होगा नहीं एंड वो ठीक से फाइट ले नहीं पाएगा। तो जो भी ग्लोअल्स होगा तुम लोग थोड़ा मोड़ा शेयर कर लेना, ऐसा नहीं कि वैगर वाले के पास एक ही ग्लोअल एंड तुम्हारे दूसरे प्लेयर्स के पास 5-6 ग्लोअल्स है। तो यार यहाँ पे ध्यान रखना थोड़ा सा कि फाइट से पहले तो तुमको शेयर कर लेना है, तभी तुम लोग अच्छा से फाइट कर पाओगे। एक और चीज़ ध्यान रखना कि अगर वैगर वाला प्लेयर चाहे तो जो है कहीं होल्ड करते वक्त भी ग्लोअल बना सकता है, मान लो तुम्हारा तुम लोग एक अच्छे जगह पे एक अच्छा घर पे जो है होल्ड कर रहे हो कि यहाँ पे जोन बनेगा, प्रेडिक्शन करके बैठ गए तो वहाँ बैठ के तुम लोग ग्लोअल्स बना सकते हो। बहुत सारी बड़ी बड़ी टीम्स ऐसे ही करती है, ग्लोअल्स बनाती है ताकि लास्ट जोन में उनको जोन के अंदर घुसने में आराम हो, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो, जब भी फ्री टाइम मिले ग्लोअल बना लो एंड जब भी फाइट हो तुमको ग्लोअल्स उठा लेना है। एक और चीज़, जब भी तुम ग्लोअल्स बना रहे हो कहीं होल्ड करते वक्त तो जो तुम्हारे वैगर वाला प्लेयर होगा वो एक कोने में जाके ग्लोअल्स उतार देगा, बाकी दो प्लेयर्स को उठाने का जरूरत नहीं ग्लोअल, ताकि जो वो प्लेयर होगा वो जैसे ही फाइट होगा वो कोने में जाके अपना सारा ग्लोअल उठा लेगा, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हो। तो
ऐसे करके तुम लोग इफेक्टिव वे में आराम से पेटी स्किल का यूज़ कर सकते हो, एंड तुम्हारा जो नीडर होगा उसको सारे नीड्स तुम लोग को शेयर कर लेने, एंड तुम्हारे नीडर को आराम से जो है नीडिंग करना, जब भी फाइट हो एक बार नीडर को बोल दो कि यार तू जा आगे जा नीड्स पे, ठीक है, तो उसका जो रोल है उसको करने दो एंड उसको बिस्टन लगवा दो, एंड ऐसे दो प्लेयर्स को जो है वैगर यूज़ करना, एक को बिस्टन एंड एक को फैल को, ताकि तुम्हारा लैंडिंग भी आराम से हो, कभी भी कहीं से भी प्लेन पार हो तुम लोग अपना ड्रॉप पॉइंट पर उतर जाओ, ठीक है। तो आशा करता हूँ तुमको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बस यार आज के वीडियो बस इतना ही, चाहिए।